हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो होना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। ओके, तो इसमें आज हम मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसे आप एज अ टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ओके, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, फिर अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हिमाचल के लिए तो है ही, हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए तो है ही, साथ में ये और भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है आपका, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर सीआरपीएफ का है आपका, कोई भी फार्मा एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप अगर किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है इन विल्सन डिजीज़ क्या होती है। आपको विल्सन डिजीज़ को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए। देखिए विल्सन डिजीज़ एक कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ, तो विल्सन डिजीज़ में इसमें से कौन सा है जो एक्सेस स्टोरेज होती है। ऑप्शंस देखिए इसमें है आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो विल्सन डिजीज़ जो होता है, आप अपना आंसर सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं। ओके, तो इसमें कॉपर जो होता है ये एक्सेस ज़्यादा हो जाता है, कॉपर जो है ब्रेन और लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है विल्सन डिजीज़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहने वाला है। ओके, तो इसकी जो कौन सा एक आप मुझे बताना, विल्सन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ठीक है, उसका नाम बताना आप मुझे, क्योंकि मैंने आपको एंटीडोट्स जो बताए हैं उसमें आपको बताया था कॉपर की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देते हैं, है ना, तो बताना आप मुझे इसका नाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन शुगर कोटिंग टेबलेट्स सब कोटिंग इज डन एज, ऑप्शंस देखिए, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज, टू स्मूदन सरफेस या टू कवर एंड फिल इम्परफेक्शंस। तो इसमें जो सब कोटिंग का पूछा है तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। तो कौन सी ड्रग है, ऑप्शन देखिए, आइसोनियाजिड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन या रिफाम्पिसिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, रिफाम्पिसिन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ईज, ऑप्शंस हैं विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए विटामिन के एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर, ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या नन। तो एंटी हेमरेजिक फैक्टर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबोसिल इज यूज्ड एज, तो ये है कोलोइडल सिलिका जो होता है उसको बोलते हैं, ऑप्शंस देखिए, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइडेंट या डिसइंटीग्रेंट। तो एक ग्लाइडेंट आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6-7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोड्रग के ऊपर। तो कौन सा है प्रोड्रग, ऑप्शन देखिए, इनालाप्रिल, एम्पिसिलिन, डोपामिन या नन ऑफ दीज। तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, इनालाप्रिल जो है वो हमारा प्रोड्रग है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अब आप मुझे बताना डोपामिन जो है ये एक्टिव ड्रग है, डोपामिन की प्रोड्रग कौन सी है, ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट करके। डोपामिन जो है जो पार्किंसंस डिजीज़ में आप पढ़ते हैं इसकी एक्टिव ड्रग का नाम बताना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट मैक्रोगोल्स आर यूज्ड एज, ऑप्शन देखिए, वाटर सोल्यूबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस या ऑयलेजिनस बेस। तो मैक्रोगोल्स जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स होते हैं, तो ये
वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, आपके ऑप्शन वन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन लाइफिलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये लाइफिलाइजेशन होता है, ऑप्शन वन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज। ऑप्शन है 1,3-dimethylxanthine, 1,3,7-trimethylxanthine, 1,5-dimethylxanthine या 1,3,5-trimethylxanthine। कैफीन होता है 1,3,7-trimethylxanthine, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप IUPAC नेम का आपके कमेंट्स बारी बारी में आ रहे हैं। देखिए, मैं IUPAC नेम का एक अच्छा सा वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो बस मैं अभी 2 या 3 दिन में आपका वो वीडियो आ जाएगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं सबके IUPAC नेम देखेंगे, साथ साथ में हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होता है ना, तो साथ में IUPAC नेम में दिक्कत नहीं आती। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, थोड़ा सा भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान है ना कि भाई डाई मिथाइल है, डाई इथाइल है, इसमें फिनाइल है, अगर हल्का सा भी हमें ध्यान होता है, तो हमारा क्वेश्चन, हमारे क्योंकि MCQ बेस्ड होती है, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी IUPAC नेम का, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, साथ में उनके स्ट्रक्चर्स भी, तो अच्छे से उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इतने अच्छे से करा दूँगी ना कि आपका IUPAC नेम का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वो बना रही हो, इसलिए मुझे अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। तो इसमें क्योंकि IUPAC नेम आपके, देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें भी आया था, और हिमाचल के जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 का देख लीजिए, 20 का देख लीजिए, सब में IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका वीडियो लेके आऊँगी, तो बस अभी आप 2 या 3 दिन और रुक जाइए। तो इसका हो जाएगा 1,3,7-trimethylxanthine हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथेसिन इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस देखिए, 1 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग, 3 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग, 5 पोजीशन है, 7 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग। देखिए, इंडोमिथेसिन में आपको ये तो कंफर्म हो गया कि इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोमिथेसिन में इंडोल रिंग प्रेजेंट है, तो जो कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है वो 3 पोजीशन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम। ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड। देखिए, वैसोप्रेसिन जो होता है ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ऑप्शन रिलीज होता है, सॉरी, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वैसोप्रेसिन जो है जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वहाँ से सिक्रेट, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक और हार्मोन है ऑक्सीटो, जो ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, एनाफाइलेक्टिक शोक ड्रग ऑफ चॉइस इज। ऑप्शन देखिए, एड्रेनलिन IV, मॉर्फिन सल्फेट IV, एमिनोफाइलिन या फ्यूरोसिमाइड IV। तो एनाफाइलेक्टिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस तो एड्रेनलिन IV हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना, एपिनेफ्रिन लिखा हो एपिनेफ्रिन या लिखा हो एड्रेनलिन, दोनों एक ही बात है, एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। और एक एफेड्रिन अलग होता है, ठीक है, एफेड्रिन अलग होता है और ये एपिनेफ्रिन अलग है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन देखिए, 14 है, एन आइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। देखिए, स्टोमेटा के ऊपर भी क्वेश्चन देखिए ड्रग इंस्पेक्टर में भी आया हुआ है, कैरियोफाइलेसिस आई थिंक पूछा था उसमें, ठीक है। और इसमें फार्मासिस्ट एग्जाम में भी हिमाचल के में ये पूछा हुआ है स्टोमेटा का क्वेश्चन, तो स्टोमेटा आप एक बार देख लेना सारे, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है स्टोमेटा का, ठीक है। आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सी ट्रिक के थ्रू आपको याद कराया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। बस ये स्टोमेटा बिल्कुल ईजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं है कि एनाइसोसिटिक किसमें है, ये सारे आपको बस एक बार देखना होता है इनको, ओके। तो इसका ये धतूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 15, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टेबलेट इज नोन एज। ऑप्शन है कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या चिपिंग। तो पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको कैपिंग बोल देंगे ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैपिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज। तो मिल्स के प्रिंसिपल्स पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर लेना। तो इसमें देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल का आपसे पूछा है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन या क्रशिंग। तो बॉल मिल में होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, दोनों होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, इम्पैक्ट जो है कौन सी मिल का प्रिंसिपल है,
कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। आप में से कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर करते हैं। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं ना तो उससे वो चीज़ आपको याद रहती है, आपके एग्ज़ाम में ना ये वर्क करेगा। सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो इसलिए आप कमेंट किया कीजिए। मैं इतने हार्ड क्वेश्चन तो पूछती भी नहीं हूँ, जो सिंपल सिंपल से होते हैं जो मैंने कराए होते हैं सिर्फ वही आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चन 17 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। ऑप्शन देखिए, जिंक सल्फेट, सिलिनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट या सोडियम फ्लोराइड। तो एंटी डैंड्रफ में कौन सा आता है? सिलिनियम सल्फाइड आता है, ऑप्शन बी राइट होता है। क्वेश्चन देखिए 18 है, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑप्शन देखिए, फाइसोस्टिग्मिन, प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन या ट्यूबोक्यूरेरिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम देते हैं ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन है मेगालरेट इज यूज एज। ऑप्शन है एंटासिड, सस्पेंडिंग एजेंट, परगेटिव या एंटीसेप्टिक। तो ये एंटासिड होता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनहिबिशन ऑफ। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस। तो जो पेनिसिलिन जो है इसका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन पूछा है, तो क्या करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल वॉल सिंथेसिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल मलेरिया। ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्वीन, अमोनिया क्वीन, क्विनिन या प्राइमाक्वीन। तो सेरेब्रल मलेरिया में क्विनिन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्विनिन है कौन से प्लांट से ऑप्टेन होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन। ऑप्शंस देखिए, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, लिम्फ या CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है ना, लेफ्ट साइड आपसे पूछा है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है ये आपको बताना है। तो राइट में तो इम्प्योर होता है, लेफ्ट में प्योर होता है ना, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, प्योर ब्लड हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन में क्या है, एड्रेनलिन इज केमिकली। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ये है 1, 3, 4 ड्राई हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल। ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो एड्रेनलिन का थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी दिमाग में है तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो एड्रेनलिन जो होता है ये होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 3, 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए है हमारा, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ऑप्शन देखिए, फैनिटोइन, डायजिपाम, ट्राइमिथाडायोन या कार्बामाजिपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में कार्बामाजिपिन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 25 है, विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। ऑप्शन है एलिनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड या लाइसिन। तो मेलानिन का प्रिकर्सर टायरोसिन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 26 है, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन सोडियम इज। ऑप्शन है मिनाडियोन, प्रोटामिन, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो विटामिन के आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 27 है, टेट्रासाइक्लिन टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद। ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयन, आयरन आयन, कैल्शियम आयन या ऑल। तो टेट्रासाइक्लिन जो है सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन देखिए 28 है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आर यूजली मोस्ट यूजफुल इन। तो ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स किस में यूज़ करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में आप लोग यूज़ करते हैं ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स को। तो ऑप्शन देखिए, जुवेनाइल डायबिटीज़, लेबाइल डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या ब्रिटल डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 29, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन वाइल्ड चेरी बार्क इज। ऑप्शन है अमेग्डालिन, आइसोथायोसाइनेट, प्रोनेसिन या सिनेग्रीन। देखिए जो वाइल्ड चेरी, जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, तो इसमें एक तो वाइल्ड चेरी बार्क है, इसके अंदर होता है प्रोनेसिन होता है, और एक बिटर आलमंड होता है, उसके अंदर अमेग्डालिन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शंस हैं अमोनिया क्वीन, प्रोक्वेनिल, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्वीन। तो कौन सी एंटीमलेरियल ड्रग है प्रेगनेंसी में सेफ होती है, क्लोरोक्वीन होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फोरामिनोक्विनोलिन जिसको बोलते हैं क्लोरोक्वीन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल्स? ऑप्शन शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल वाई या शेड्यूल E1। तो शेड्यूल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल्स का भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो पॉइजन्स हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन शेड्यूल E1 में आते हैं, ऑप्शन डी आपको आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 32, कार्बिमाजोल इज, ऑप्शन देखिए एंटी थायरॉयड ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव या एक कोएगुलेंट। तो कार्बिमाजोल है, ये एंटी थायरॉयड ड्रग होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताना आप मुझे एंटी थायरॉयड ड्रग का, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर? जो TNF-alpha इनहिबिटर्स जो आप पढ़ते हैं ना, जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में जो TNF-alpha इनहिबिटर्स जो आप पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन देखिए रोफिकोक्सी, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट, सल्फा सालाजीन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इटानरसेप्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए 34 क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP450 साइटोक्रोम, जो P450 एंजाइम्स का इनहिबिटर पूछा है आपसे। तो ये जो है एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन देखिए फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, फिनोबारबिटोन या सिमेटिडीन। तो क्या हो जाएगा, सिमेटिडीन जो होता है एंजाइम इनहिबिटर्स होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, मेबेंडाजोल एन एंटी जिराडियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शन है बेंजीमेडाजोल, इंडोलासिटिक एसिड, क्विनोलिन या इंडोलिन। तो मेबेंडाजोल जो है इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस है, बेंजीमेडाजोल डेरिवेटिव होता है, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 36 है, बेंजीडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ऑप्शन है ब्लड इन यूरिन, यूरिक एसिड इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन या एल्ब्यूमिन इन यूरिन। तो बी से बेंजीडिन, बी से ब्लड याद रखना है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लड के लिए होता है ये, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 37, द स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स आर यू गिवन इन। तो मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए मैंने आपको कंट्रा से, जो कंट्रा के आर को रिलेट करना बता रखा है, तो ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ऑप्शन देखिए शेड्यूल एस, आर, टी या यू। तो ये आते हैं शेड्यूल आर में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब शेड्यूल एस में आप मुझे बताना, शेड्यूल एस के स्टैंडर्ड्स फॉर, शेड्यूल एस में है किसके स्टैंडर्ड्स है, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 38, विच ड्रग इनिबिट कोलेस्टेरोल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रही है, कौन सी ड्रग, ऑप्शन है कोलेस्टिपोल, सिलोस्टाजोल, प्रोब्यूकोल या एजिटिमाइब। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एजिटिमाइब जो होती है कोलेस्टेरोल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करा देती है। क्वेश्चन देखिए 38 है, फिनोबारबिटोन बिलोंग्स टू, ऑप्शन है शेड्यूल ओ, एक्स, आर या एल, कौन सी शेड्यूल की ड्रग है फिनोबारबिटोन। तो ये आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल एक्स में आती है, ओके। क्वेश्चन देखिए 39 है, शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शेड्यूल GMP के लिए कौन सा शेड्यूल है, ऑप्शन है शेड्यूल P, शेड्यूल L1, शेड्यूल M या शेड्यूल U। तो GMP के लिए शेड्यूल M आता है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एसिटाजोलामाइड या लीथियम। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन है ABC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन देखिए एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट या ऑलवेज बेस्ड कॉस्ट। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर, ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जो सुक्रोज है इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B2 जिसको आप राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ऑप्शन है NAD, FAD, TPP या को एंजाइम ए। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के F को आपको FAD से कनेक्ट करना है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, ओके। क्वेश्चन देखिए 44 है, विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर, ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, रिटार्डेड ग्रोथ, कलर ब्लाइंडनेस या डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है ये आपको बताना है, तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी राइट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट देखिए, तो विटामिन जो है, देखिए इसका सेपरेट अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो क्वेश्चंस जो हैं आपके वहीं से आ जाते हैं उस वीडियो में से ही, ठीक है। तो वो विटामिन का वीडियो भी आप लोग देख ले रहे हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए 45 है, गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन है फ्लोरिन, आयोडीन, क्लोराइड या सल्फाइड, तो आयोडीन आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको थोड़ी स्पीड तेज लग रही है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच के अपना आंसर लिख सकते हैं और देख सकते हैं आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। क्वेश्चन देखिए 46, ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरोल, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन 47 है, आरएनए सिंथेसिस और डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, ऑप्शन है ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 48 है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शन है 1940, 1948, 1950, 1947, तो फार्मेसी एक्ट है ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, ऑप्शन है 1947, 1964, 1949 या 1995, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1949 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पायरेडोक्सल फॉस्फेट, पीएलपी जो होता है, कौन से को फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन है एल्डिहाइड, हाइड्रोजन एटम, अमीनो या असाइल, तो अमीनो ग्रुप आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 51 है, फिनोफ्थलीन शोज कलर चेंज एट विच पीएच, ऑप्शन है 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 8 to 10। क्वेश्चन नंबर 52 है, पावर हाउस ऑफ सेल इज, तो इसके तो आपको क्वेश्चन ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो कई कई क्वेश्चन तो मैंने सिंपल भी इंक्लूड किए हैं इसमें, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मतलब ठीक ठीक से होते हैं, तो कुछ सिंपल से भी हैं इसमें। तो पावर हाउस ऑफ सेल तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। क्वेश्चन देखिए 53 है, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज, तो ये भी आसान सा है, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं ना, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 54, एंड्रोग्राफोलिड इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ, ऑप्शन है क्वेशिया, कालमे, पिक्रोराइजा या विस्नागा, तो कालमे हमारा इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 देखिए, पिलोकार्पिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम, ऑप्शन है अकेशिया कैटेचू, एट्रोपा बेलाडोना, फाइलेंथस नीरूरी या पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस इसका सोर्स होता है, और इसकी फैमिली जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, जो इनके आंसर जो पिन किया हुआ कमेंट होता है ना, मैंने उसमें लगभग आपको सारे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो पिन जो कमेंट होता है ना, उसको देखा कीजिए, उस कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, वही पिन करती हूँ मैं। क्वेश्चन देखिए 56 है, विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, ऑप्शन है ब्रिजिंग, एंगल ऑफ रिपोज, रेट होलिंग या ओल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का भी सभी को पता है, तो ऑप्शन बी जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O को बोलते हैं लाफिंग गैस। क्वेश्चन 58 है, पाश्चराइजेशन इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर, तो ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी मिल्क के लिए होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा मिल्क। क्वेश्चन देखिए 59, ड्रेव टेस्ट इज फोर, ऑप्शन है वेटिंग एजेंट, डिटर्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वेटिंग एजेंट्स के लिए ड्रेव टेस्ट होता है। क्वेश्चन 60 है, पर्पस ऑफ पैराबेन इन सिरप इज, तो मिथाइल पैराबेन और जो प्रोपाइल पैराबेन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ऑप्शन देखिए सोल्यूबलाइजर, बफर, प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव होते हैं। ओके, मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। क्वेश्चन 61 है, एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर मीन्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन, तो ये तो मेरे हिसाब से सभी का ठीक होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता भी है, बहुत ईजी भी है, तो इंटेस्टाइन आपका ऑप्शन सी राइट होता है।
क्वेश्चन देखिए 62 है, डायलुएंट टीजाइटिडिन टेबलेट फॉर्मुलेशन 2, ऑप्शन है इंक्रीज स्टेबिलिटी बाइंडर, इंक्रीज बल्क या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो डायलुएंट्स क्यों ऐड करते हैं बल्क को इंक्रीज करने के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है विदाने सोमनीफेरा जो है इसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है, तो इसके नाम से ही है, इसका सोर्स है विदानिया सोमनीफेरा, विदानिया से ही विदानीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 64, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज, ऑप्शन देखिए एट्रोपिन, हायोसिन, इप्राट्रोपियम या पायरेंजिपिन। तो स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में पायरेंजिपिन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक इज, ऑप्शन है एफेड्रिन, आइसोप्रोटीरिनोल, फिनाइलेफ्रिन या एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, मतलब एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 66 है, शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, ऑप्शन देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस या स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिरा। तो F3 किसके लिए हो जाएगा, अम्बिलिकल टेप्स के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 67 है, इंसुलिन कम्स अंडर, ऑप्शन देखिए शेड्यूल H, शेड्यूल J, शेड्यूल G या शेड्यूल O। तो ये जो मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स जो होती है, ठीक है, तो ये किस में आती है, जी, शेड्यूल जी में आती है ना, मेडिकल सुपर, मैंने आपको GMS से याद करना बता रखा है, तो ये शेड्यूल जी में आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेंसिट्रोन, ओंडेंसिट्रोन जो है, ऑप्शन देखिए मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट तो नहीं है, हिस्टामिन एसिड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, हिस्टामिन H1 या 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, ऑप्शन आरसीन, गजेट, बोथ या नन। तो गजेट मेथड होता है ना आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए, तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोचेले सोल्ट, ऑप्शन है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, पोटाशियम बाइटार्ट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट या ओल। तो अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है ना, इसके 100 क्वेश्चंस का वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो इसके रोचेले सोल्ट्स जो, तो आपके सारे ये जो सिनोनिम्स वगैरह है सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखिए 71, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ऑप्शन है कोल्चिसिन, गोखरू, रोवोल्फे या एरगट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वन कोल्चिसिन। क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टेंट, ऑप्शन है कोड लिवर ऑयल, लिंसिड ऑयल, सीसेम ऑयल या हिडनोकार्पस ऑयल। तो इसका तो कोड लिवर ऑयल पता है आपको। क्वेश्चन देखिए 73, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमें आता है बट रिपीट बहुत बार होता है, तो आपको बिल्कुल सही करना है इसका। स्मॉलेस्ट होता है ये 5 वाला जो होता है ना, और लार्जेस्ट कौन सा होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन देखिए 74, आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ऑप्शन देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, पेनिसिलिन आती है, और कौन कौन से नाम आते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन देखिए 75, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो ऑप्शन देखिए हॉट एयर ओवन, ग्लास बीड स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव या ओल। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए तो हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, मॉइस्ट के लिए ऑटोक्लेव, आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76, टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए एस्टाइल कोएंजाइम ए, 30S राइबोसोमल सब यूनिट, 50S या सेलवोल। तो जो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है, ऑप्शन जो हमारा 2 राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 77, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन, ऑप्शन है शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी या शेड्यूल जे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, शेड्यूल डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ऑप्शन देखिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट या ओल। तो इसके लिए होता है ऑल, सारे के सारे टेस्ट है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कोग्नोसी के जो टेस्ट हैं सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन है कीटोकोनाजोल, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आइडेंटिफाइड द हर्ब यूज एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन स्कोपोलामिन, ऑप्शन देखिए डुबोसिया, सिंकोना, कोल्चिसिन या नक्स वोमिका।
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डुबोइस या ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, फॉलोइंग आर द एडल्टरेंट ऑफ डिजिटलिस लीव्स एक्सेप्ट ऑप्शन थिवेटिया नेरिफोलिया प्राइमुला वल्गैरिस वर्बेस्कम थाप्स सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। तो थिवेटिया को छोड़ के तीनों के तीनों एडल्टरेंट होते हैं डिजिटलिस के। ओके ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 82 है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। तो ऑप्शन देखिए गुटिका तेला सवा या लेहा, तो ये गुटिकाज होती है ऑप्शन वन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 83 है, लिबरमैन बरकार टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन देखिए ग्लाइकोसाइड नैप्थोक्विनोन स्टैनिन से स्टीरोइड्स। तो लिबरमैन बरकार टेस्ट किसके लिए होते हैं, स्टीरोइड्स के लिए होते हैं ना, ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज ऑप्शन द ट्रिपल में पैलेडियम वुचिरिया बैंक्रोफ्टी एडीज इजिप्टी या स्ट्रेप्टोकोकस सिफिलिस। तो सिफिलिस का मैं आपको बताती हूँ, एसटीडी को छोड़ के आपको एसटीपी याद रखना है। तो सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 85 है, ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनेरम बिलोंग्स टू फैमिली जिंजीबरेसी ये किसका सोर्स है, ऑप्शन अडूसा कंतकारी चित्रक या रसना। तो ऑप्शन फोर हो जाएगा, रसना का ये सोर्स होता है। क्वेश्चन देखिए 86 आइडेंटिफाई द कोक्स टू इनिबिटर, तो कोक्स टू में सारे कोक्सिब वाले आते हैं ना, कोक्सिब वाले। तो ऑप्शन देखिए डिक्लोफिनेक वैल्डिकोक्सिब इंडोमिथासिन या मोरफिन, तो वैल्डिकोक्सिब आपका ऑप्शन टू राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन ट्रॉपिकल एरोसोल्स, ऑप्शन है प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन या ओल, तो ये सारे के सारे ही यूज होते हैं, ऑप्शन फोर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन देखिए 88 है, आइडेंटिफाई द प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो कौन सा पीपीआई है जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें एक ही पीपीआई दिया हुआ है, तो ऑप्शन थ्री हो जाएगा। ओमीप्राजोल जो है, ये प्राजोल वाले जो होते हैं सारे पीपीआईज होते हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में आते हैं ना, ओमीप्राजोल लैंसोप्राजोल इसोमीप्राजोल रैबीप्राजोल, तो आपका ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 89 है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोपी यूनिट्स इन सेस्क्यूटर्पिन्स, ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या 1, तो सेस्क्यूटर्पिन्स जो है इसमें 3 आइसोपी यूनिट होती है ना, तो आपका ऑप्शन टू राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 90 है, सिट्रिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ऑप्शन देखिए टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, टू रिड्यूस द फेरिक आयरन टू फेरस आयरन, टू डेवलप पर्पल कलर या टू मेक द मेडियम एल्कलाइन। तो देखिए जो सिट्रिक एसिड यूज करती है क्यों यूज करती है, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, ठीक है ऑप्शन वन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, ऑप्शन देखिए आइसोनियाजिड नॉरफ्लोक्सासिन लिनकोमाइसिन या इथैम्ब्यूटोल, तो आइसोनियाजिड हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन, सेगोन सिनेमोन का सोर्स देखिए, ऑप्शन देखिए सिनेमोमम लोरी सिनेमोमम बर्मानी सिनेमोम जेल एनिकम या वीरम, तो ये ऑप्शन वन हो जाएगा, सिनेमोमम लोरी जो है सेगोन सिनेमोन का सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 93 आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज, ऑप्शन एसीटोन एसिटो एसिटेट बीटा हाइड्रोक्सी बुटारेट या ओल, तो सारी की सारी ये कीटोन बॉडीज दी हुई है आपको, याद कर लेना तीनों के नाम, ओके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 94 है, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं बताइए आप, तो ऑप्शन देखिए पायरिथ्रम बुचू डरतुरा या नक्सवोमिका, तो आपको पता ही है नक्सवोमिका के अंदर होते हैं ना लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, किसमें होते हैं नक्सवोमिका में होते हैं। क्वेश्चन 95 है, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए टाटर एमिटिक इप्सम साल्ट कैथार्टिक पोटाश या नन, तो इसको बोलते हैं टाटर एमिटिक, ऑप्शन वन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 96 है, ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ, ऑप्शन है लिकोरिस जिनसिंग बिटर आलमंड या सेनेगा, तो ये जिनसिंग जो होता है ना पेनेक्स जिनसिंग अरेलियसी जिसकी फैमिली होती है, ऑप्शन टू हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 97 है, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय, ऑप्शन है इनिबिटिंग मेटाबॉलिज्म डिक्रीजिंग एक्सक्रीशन प्रोमोट एब्जॉर्प्शन या ऑल, तो ये क्या करती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्या करती है इसके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देती है, ऑप्शन वन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 98, क्वेश्चन है लोक एंड की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, ऑप्शन है कोस्टलैंड लिनस कारपोलिंग पोल एलरिच या एमिल फिशर, तो ये एमिल फिशर जो है हमारा ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा, लोक एंड की थियरी जो है ये एमिल फिशर, तो याद रखना है इसको अच्छे से। क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है, इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज एज, ऑप्शन है टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोर्डेंट या नन, तो ग्राम स्टेनिंग जो हम पढ़ते हैं उसमें आयोडीन क्या काम
करता है, ये जो प्राइमरी स्टेन होती है उसको फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एज अ मोर्डेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलोइड्स एक्सेप्ट, तो इनमें से है जो इंडोल एल्कलोइड्स किसमें प्रेजेंट है, एक को छोड़ के ऑप्शन देखिए, नक्समोमिका, लोबेलिया, विनका या एरगट। तो आपका लोबेलिया में इंडोल एल्कलोइड्स नहीं होते, बाकी के तीनों इंडोल एल्कलोइड्स के एग्जाम्पल है। तो अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, पाइरिडॉक्सिन इज, ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B6 या विटामिन K। तो पाइरिडॉक्सिन है, कौन से विटामिन को बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ओके, और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके, थैंक यू।